बताई है। 130 करोड़ भारतवासी खुश हैं, गर्व से भरे हैं। यह है भारत का प्रकृति प्रेम। इस बारे में लोगों का एक कॉमन सवाल यही है कि मोदी जी, हमें चीतों को देखने का अवसर कब मिलेगा? साथियों, एक टास्क फोर्स बनी है। यह टास्क फोर्स चीतों की मॉनिटरिंग करेगी और ये देखेगी कि यहाँ के माहौल में वो कितने घुल मिल पाए हैं। इसी आधार पर कुछ महीने बाद कोई निर्णय लिया जाएगा और तब आप चीतों को देख पाएंगे। लेकिन तब तक मैं आप सबको कुछ कुछ काम सौंप रहा हूं। इसके लिए माय गांव के प्लेटफॉर्म पर एक कंपटीशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें लोगों से मैं कुछ चीजें शेयर करने का आग्रह करता हूं। चीतों को लेकर जो हम अभियान चला रहे हैं, आखिर उस अभियान का नाम क्या होना चाहिए? क्या हम इन सभी चीतों के नामकरण के बारे में भी सोच सकते हैं कि इनमें से हर एक को किस नाम से बुलाया जाए? वैसे ये नामकरण अगर ट्रेडिशनल हो तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने समाज और संस्कृति, परंपरा और विरासत से जुड़ी हुई कोई भी चीज हमें सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती है। यही नहीं, आप ये भी बताएं आखिर इंसानों को एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी तो रिस्पेक्ट फॉर एनिमल्स पर जोर दिया गया है। मेरी आप सभी से अपील है कि आप इस कंपटीशन में जरूर भाग लीजिए। क्या पता इनाम स्वरूप चीते देखने का पहला अवसर आपको ही मिल जाए। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 25 सितंबर को देश के प्रखर मानवतावादी, चिंतक और महान सपूत दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन मनाया जाता है। किसी भी देश के युवा जैसे जैसे अपनी पहचान और गौरव पर गर्व करते हैं, उन्हें अपने मौलिक विचार और दर्शन उतने ही आकर्षित करते हैं। दीनदयाल जी के विचारों की सबसे बड़ी खूबी यही रही है, उन्होंने अपने जीवन में विश्व की बड़ी बड़ी उथल पुथल को देखा था। वो विचारधाराओं के संघर्षों के साक्षी बने थे, इसलिए उन्होंने एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय का एक विचार देश के सामने रखा जो पूरी तरह भारतीय था। दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन एक ऐसा विचार है जो विचारधारा के नाम पर द्वंद्व और दुराग्रह से मुक्ति दिलाता है। उन्होंने मानव मात्र को एक समान मानने वाले भारतीय दर्शन को फिर से दुनिया के सामने रखा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अर्थात हम जीव मात्र को अपने समान माने, अपने जैसा व्यवहार करें। आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी भारतीय दर्शन कैसे दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है, ये दीनदयाल जी ने हमें सिखाया। एक तरह से आजादी के बाद देश में जो हीन भावना थी, उससे आजादी दिलाकर उन्होंने हमारी अपनी बौद्धिक चेतना को जागृत किया। वो कहते भी थे, हमारी आजादी तभी सार्थक हो सकती है जब वो हमारी संस्कृति और पहचान की अभिव्यक्ति करे। इसी विचार के आधार पर उन्होंने देश के विकास का विजन निर्मित किया था। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि देश की प्रगति का पैमाना अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति होता है। आजादी के अमृत काल में हम दीनदयाल जी को जितना जानेंगे, उनसे जितना सीखेंगे, देश को उतना ही आगे लेकर जाने की हम सबको प्रेरणा मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से 3 दिन बाद यानी 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का एक विशेष दिन आ रहा है। इस दिन हम भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह जी की जयंती मनाएंगे। भगत सिंह जी की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी।
मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और देश के सभी लोगों को इस निर्णय की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा ले, उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाएं, यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होती है। शहीदों के स्मारक, उनके नाम पर स्थानों और संस्थानों के नाम हमें कर्तव्य के लिए प्रेरणा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही देश ने कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना के जरिए भी ऐसा ही एक प्रयास किया है और अब शहीद भगत सिंह के नाम से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम इस दिशा में एक और कदम है। मैं चाहूंगा अमृत महोत्सव में हम जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े विशेष अवसरों पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी तरह 28 सितंबर को भी हर युवा कुछ नया प्रयास अवश्य करे। वैसे मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी के पास 28 सितंबर को सेलिब्रेट करने की एक और वजह भी है। जानते हैं क्या है? मैं सिर्फ दो शब्द कहूंगा, लेकिन मुझे पता है आपका जोश 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये दो शब्द हैं सर्जिकल स्ट्राइक। बढ़ गया ना जोश? हमारे देश में अमृत महोत्सव का जो अभियान चल रहा है, उन्हें हम पूरे मनोयोग से सेलिब्रेट करें, अपनी खुशियों को सबके साथ साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, कहते हैं जीवन के संघर्षों से तपे हुए व्यक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाती। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ ऐसे साथियों को भी देखते हैं जो किसी ना किसी शारीरिक चुनौती से मुकाबला कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो या तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बात नहीं रख पाते। ऐसे साथियों के लिए सबसे बड़ा संबल होती है साइन लैंग्वेज। लेकिन भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लैंग्वेज के लिए कोई स्पष्ट हाव भाव तय नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्ष 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी। मुझे खुशी है कि यह संस्थान अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी तैयार कर चुका है। 2 दिन पहले यानी 23 सितंबर को साइन लैंग्वेज डे पर कई स्कूली पाठ्यक्रमों को भी साइन लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। साइन लैंग्वेज के तय स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी काफी बल दिया गया है। साइन लैंग्वेज की जो डिक्शनरी बनी है उसके वीडियो बनाकर भी उनका निरंतर प्रसार किया जा रहा है। YouTube पर कई लोगों ने, कई संस्थानों ने इंडियन साइन लैंग्वेज में अपने चैनल शुरू कर दिए हैं। यानी 7-8 साल पहले साइन लैंग्वेज को लेकर जो अभियान देश में प्रारंभ हुआ था, अब उसका लाभ लाखों मेरे दिव्यांग भाई बहनों को होने लगा है। हरियाणा के रहने वाली पूजा जी तो इंडियन साइन लैंग्वेज से बहुत खुश है। पहले वो अपने बेटे से ही संवाद नहीं कर पाती थी, लेकिन 2018 में साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग लेने के बाद माँ बेटे दोनों का जीवन आसान हो गया है। पूजा जी के बेटे ने भी साइन लैंग्वेज सीखी और अपने स्कूल में उसने स्टोरी टेलिंग में प्राइज जीतकर भी दिखा दिया। इसी तरह टिंका जी की 6 साल की एक बिटिया है जो सुन नहीं पाती है। टिंका जी ने अपनी बेटी को साइन लैंग्वेज का कोर्स कराया था, लेकिन उन्हें खुद साइन लैंग्वेज नहीं आती थी। इस वजह से वो अपनी बच्ची से कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। अब टिंका जी ने भी साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग ली है और दोनों माँ बेटी अब आपस में खूब बातें किया करती हैं। इन प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ केरला की मंजू जी को भी हुआ है। मंजू जी जन्म से ही सुन नहीं पाती है। इतना ही नहीं, उनके पेरेंट के जीवन में भी यही स्थिति रही है। ऐसे में साइन लैंग्वेज ही पूरे परिवार के लिए संवाद का जरिया बनी है।
अब तो मंजू जी खुद ही साइन लैंग्वेज की टीचर बनने का भी फैसला ले लिया है। साथियों, मैं इसके बारे में मन की बात में इसलिए भी चर्चा कर रहा हूं ताकि इंडियन साइन लैंग्वेज को लेकर अवेयरनेस बढ़े। इससे हम अपने दिव्यांग साथियों की अधिक से अधिक मदद कर सकेंगे। भाइयों और बहनों, कुछ दिन पहले मुझे ब्रेल में लिखी हेमकोश की एक कॉपी भी मिली है। हेमकोश असमिया भाषा की सबसे पुरानी डिक्शनरीज में से एक है। यह 19वीं शताब्दी में तैयार की गई थी। इसका संपादन प्रख्यात भाषाविद हेमचंद्र बरुआ जी ने किया था। हेमकोश का ब्रेल एडिशन करीब 10,000 पन्नों का है और यह 15 वॉल्यूम से भी अधिक में प्रकाशित होने जा रहा है। इसमें 1,00,000 से भी अधिक शब्दों का अनुवाद होना है। मैं इस संवेदनशील प्रयास की बहुत सराहना करता हूं। इस तरह के हर प्रयास दिव्यांग साथियों का कौशल और सामर्थ्य बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। आज भारत पैरा स्पोर्ट्स में भी सफलता के परचम लहरा रहा है। हम सभी कई टूर्नामेंट्स में इसके साक्षी रहे हैं। आज कई लोग ऐसे हैं जो दिव्यांगों के बीच फिटनेस कल्चर को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने में जुटे हैं। इससे दिव्यांगों के आत्मविश्वास को बहुत बल मिलता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कुछ दिन पहले सूरत की एक बिटिया अनवी से मिला। अनवी और अनवी के योग से मेरी वो मुलाकात इतनी यादगार रही है कि उसके बारे में मैं मन की बात के सभी श्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, अनवी जन्म से ही डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है और वो बचपन से ही हार्ट की गंभीर बीमारी से भी जूझती रही है। जब वो केवल 3 महीने की थी तभी उसे ओपन हार्ट सर्जरी से भी गुजरना पड़ा। इन सब मुश्किलों के बावजूद न तो अनवी ने और न ही उसके माता पिता ने कभी हार मानी। अनवी के माता पिता ने डाउन सिंड्रोम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की और फिर तय किया कि अनवी की दूसरों पर निर्भरता को कम कैसे करेंगे। उन्होंने अनवी को पानी का ग्लास कैसे उठाना, जूते के फीते कैसे बांधना, कपड़ों के बटन कैसे लगाना, ऐसी छोटी 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 चीजें सिखाना शुरू किया। कौन सी चीज की जगह कहाँ है, कौन सी अच्छी आदतें होती हैं, ये सब कुछ बहुत धैर्य के साथ उन्होंने अनवी को सिखाने की कोशिश की। बिटिया अनवी ने जिस तरह सीखने की इच्छा शक्ति दिखाई, अपनी प्रतिभा दिखाई, उससे उसके माता पिता को भी बहुत हौसला मिला। उन्होंने अनवी को योग सीखने के लिए प्रेरित किया। मुसीबत इतनी गंभीर थी कि अनवी अपने 2 पैर पर भी खड़ी नहीं हो पाती थी। ऐसी परिस्थिति में उनके माता पिताजी ने अनवी को योग सीखने के लिए प्रेरित किया। पहली बार जब वो योग सिखाने वाली कोच के पास गई तो वे भी बड़ी दुविधा में थे कि क्या ये मासूम बच्ची योग कर पाएगी। लेकिन कोच को भी शायद इसका अंदाजा नहीं था कि अनवी किस मिट्टी की बनी है। वो अपनी माँ के साथ योग का अभ्यास करने लगी और अब तो वो योग में एक्सपर्ट हो चुकी है। अनवी आज देश भर के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेती है और मेडल जीतती है। योग ने अनवी को नया जीवन दे दिया। अनवी ने योग को आत्मसात कर जीवन को आत्मसात किया। अनवी के माता पिता ने मुझे बताया कि योग से अनवी के जीवन में अद्भुत बदलाव देखने को मिला है। अब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गजब का हो गया है। योग से अनवी की फिजिकल हेल्थ में भी सुधार हुआ है और दवाओं की जरूरत भी कम होती चली जा रही है। मैं चाहूंगा कि देश विदेश में मौजूद मन की बात के श्रोता अनवी को योग से हुए लाभ का वैज्ञानिक अध्ययन कर सके। मुझे लगता है कि अनवी एक बढ़िया केस स्टडी है जो योग के सामर्थ्य को जांचना परखना चाहते हैं। ऐसे वैज्ञानिकों ने
आगे आकर के अन्वी की इस सफलता पर अध्ययन करके योग के सामर्थ्य से दुनिया को परिचित कराना चाहिए। ऐसी कोई भी रिसर्च दुनिया भर में डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों की बहुत मदद कर सकती है। दुनिया अब इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए योग बहुत ज्यादा कारगर है। विशेषकर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से जुड़ी मुश्किलों में योग से बहुत मदद मिलती है। योग की ऐसी ही शक्ति को देखते हुए 21 जून को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना तय किया हुआ है। अब यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने भारत के एक और प्रयास को रिकॉग्नाइज किया है, उसे सम्मानित किया है। ये प्रयास है वर्ष 2017 में शुरू किया गया इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। इसके तहत ब्लड प्रेशर की मुश्किलों से जूझ रहे लाखों लोगों का इलाज सरकारी सेवा केंद्रों में किया जा रहा है। जिस तरह इस इनिशिएटिव ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है, वो अभूतपूर्व है। ये हम सबके लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात है कि जिन लोगों का उपचार हुआ है उनमें से करीब आधे का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। मैं इस इनिशिएटिव के लिए काम करने वाले उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से इसे सफल बनाया। साथियों, मानव जीवन की विकास यात्रा निरंतर पानी से जुड़ी हुई है, चाहे वो समंदर हो, नदी हो या तालाब। भारत का भी सौभाग्य है कि करीब 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी कोस्टलाइन के कारण हमारा समुद्र से नाता अटूट रहा है। यह तटीय सीमा कई राज्यों और द्वीपों से होकर गुजरती है। भारत के अलग अलग समुदायों और विविधताओं से भरी संस्कृति को यहाँ फलते फूलते देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, इन तटीय इलाकों का खान पान लोगों को खूब आकर्षित करता है। लेकिन इन मजेदार बातों के साथ ही एक दुखद पहलू भी है। हमारी ये तटीय क्षेत्र पर्यावरण से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज मरीन इकोसिस्टम के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है, तो दूसरी ओर हमारे बीचीज पर फैली गंदगी परेशान करने वाली है। हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चुनौतियों के लिए गंभीर और निरंतर प्रयास करें। यहां मैं देश के तटीय क्षेत्रों में कोस्टल क्लीनिंग की एक कोशिश स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर इसके बारे में बात करना चाहूंगा। 5 जुलाई को शुरू हुआ यह अभियान बीते 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन संपन्न हुआ। इसी दिन कोस्टल क्लीनअप डे भी था। आजादी के अमृत महोत्सव में शुरू हुई यह मुहिम 75 दिनों तक चली। इसमें जन भागीदारी देखते ही बन रही थी। इस प्रयास के दौरान पूरे 2.5 महीने तक सफाई के अनेक कार्यक्रम देखने को मिले। गोवा में एक लंबी ह्यूमन चेन बनाई गई। काकीनाडा में गणपति विसर्जन के दौरान लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। एनएसएस के लगभग 5,000 युवा साथियों ने तो 30 टन से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया। ओडिशा में 3 दिन के अंदर 20,000 से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रण लिया कि वे अपने साथ ही परिवार और आसपास के लोगों को भी स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर के लिए प्रेरित करेंगे। मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इस अभियान में हिस्सा लिया। इलेक्टेड ऑफिशियल्स, खासकर शहरों के मेयर और गांवों के सरपंचों से जब मैं संवाद करता हूं तो ये आग्रह जरूर करता हूं कि स्वच्छता जैसे प्रयासों में लोकल कम्युनिटीज और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को शामिल करें, इनोवेटिव तरीके अपनाएं। बेंगलुरु में एक टीम है यूथ फॉर परिवर्तन। पिछले 8 सालों से यह टीम स्वच्छता और दूसरी सामुदायिक गतिविधियों को लेकर काम कर रही है। उनका मोटो बिल्कुल क्लियर है,
स्टॉप कंप्लेनिंग स्टार्ट एक्टिंग। इस टीम ने अब तक शहर भर की 370 से ज्यादा जगहों का सौंदर्यीकरण किया है। हर स्थान पर यूथ फॉर परिवर्तन के अभियान ने 100 से 150 नागरिक को जोड़ा है। प्रत्येक रविवार को यह कार्यक्रम सुबह शुरू होता है और दोपहर तक चलता है। इस कार्य में कचरा तो हटाया ही जाता है, दीवारों पर पेंटिंग और आर्टिस्टिक स्केचेज बनाने का काम भी होता है। कई जगहों पर तो आप प्रसिद्ध व्यक्तियों के स्केचेज और उनके इंस्पिरेशनल कोट्स भी देख सकते हैं। बेंगलुरु के यूथ फॉर परिवर्तन के प्रयासों के बाद मैं आपको मेरठ के कबाड़ से जुगाड़ अभियान के बारे में भी बताना चाहता हूं। यह अभियान पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ शहर के सौंदर्यीकरण से भी जुड़ा है। इस मुहिम की खास बात यह भी है कि इसमें लोहे का स्क्रैप, प्लास्टिक वेस्ट, पुराने टायर और ड्रम जैसी बेकार हो चुकी चीजों का प्रयोग किया जाता है। कम खर्चे में सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण कैसे हो, यह अभियान इसकी भी एक मिसाल है। इस अभियान से जुड़े सभी लोगों की मैं हृदय से सराहना करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश में चारों ओर उत्सव की रौनक है। कल नवरात्रि का पहला दिन है। इसमें हम देवी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की उपासना करेंगे। यहां से 9 दिनों का नियम, संयम और उपवास, फिर विजयादशमी का पर्व भी होगा। यानी एक तरह से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे पर्वों में आस्था और आध्यात्मिकता के साथ साथ कितना गहरा संदेश भी छिपा है। अनुशासन और संयम से सिद्धि की प्राप्ति और उसके बाद विजय का पर्व, यही तो जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग होता है। दशहरे के बाद धनतेरस और दिवाली का भी पर्व आने वाला है। साथियों, बीते वर्षों से हमारे त्योहारों के साथ देश का एक नया संकल्प भी जुड़ गया है। आप सब जानते हैं, ये संकल्प है वोकल फॉर लोकल का। अब हम त्योहारों की खुशी में अपने लोकल कारीगरों को, शिल्पकारों को और व्यापारियों को भी शामिल करते हैं। आने वाले 2 अक्टूबर को बापू की जयंती के मौके पर हमें इस अभियान को और तेज करने का संकल्प लेना है। खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये सारे प्रोडक्ट के साथ साथ लोकल सामान जरूर खरीदें। आखिर इस त्योहार का सही आनंद भी तब है जब हर कोई इस त्योहार का हिस्सा बने। इसलिए स्थानीय प्रोडक्ट के काम से जुड़े लोगों को हमें सपोर्ट भी करना है। एक अच्छा तरीका यह है कि त्योहार के समय हम जो भी गिफ्ट करें उसमें इस प्रकार के प्रोडक्ट को शामिल करें। इस समय यह अभियान इसलिए भी खास है क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम आत्मनिर्भर भारत का भी लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जो सही मायने में आजादी के दीवानों को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बार खादी, हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट, इस प्रोडक्ट को खरीदने के आप सारे रिकॉर्ड तोड़ दें। हमने देखा है त्योहारों पर पैकिंग और पैकेजिंग के लिए पॉलीथीन बैग्स का भी बहुत इस्तेमाल होता रहा है। स्वच्छता के पर्वों पर पॉलीथीन का नुकसानकारक कचरा, ये भी हमारे पर्वों की भावना के खिलाफ है। इसलिए हम स्थानीय स्तर पर बने हुए नॉन प्लास्टिक बैग्स का ही इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ जूट के, सूत के, केले के, ऐसे कितने ही पारंपरिक बैग का चलन एक बार फिर से बढ़ रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम त्योहारों के अवसर पर इनको बढ़ावा दें और स्वच्छता के साथ अपने और पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। यानी
दूसरों का हित करने के समान, दूसरों की सेवा करने, उपकार करने के समान कोई और धर्म नहीं है। पिछले दिनों देश में समाज सेवा की इसी भावना की एक और झलक देखने को मिली। आपने भी देखा होगा कि लोग आके आकर किसी न किसी टीबी से पीड़ित मरीज को गोद ले रहे हैं, उसके पौष्टिक आहार का बीड़ा उठा रहे हैं। दरअसल ये टीबी मुक्त भारत अभियान का एक हिस्सा है, जिसका आधार जन भागीदारी है, कर्तव्य भावना है। सही पोषण से ही, सही समय पर मिली दवाइयों से टीबी का इलाज संभव है। मुझे विश्वास है कि जन भागीदारी की शक्ति से वर्ष 2025 तक भारत जरूर टीबी से मुक्त हो जाएगा। साथियों, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव से भी मुझे एक ऐसा उदाहरण जानने को मिला है जो मन को छू लेता है। यहाँ के आदिवासी क्षेत्र में रहने वाली जीनू रावतिया जी ने लिखा है कि वहाँ चल रहे गांव दत्तक कार्यक्रम के तहत मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने 50 गांवों को गोद लिया है। इसमें जीनू जी का गांव भी शामिल है। मेडिकल के छात्र बीमारी से बचने के लिए गांव के लोगों को जागरूक करते हैं, बीमारी में मदद भी करते हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी देते हैं। परोपकार की ये भावना गांव में रहने वालों के जीवन में नई खुशियां लेकर आई है। मैं इसके लिए मेडिकल कॉलेज के सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, मन की बात में नए नए विषयों की चर्चा होती रहती है। कई बार इस कार्यक्रम के जरिए हमें कुछ पुराने विषयों की गहराई में भी उतरने का मौका मिलता है। पिछले महीने मन की बात में मैंने मोटे अनाज और वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के तौर पर मनाने से जुड़ी चर्चा की थी। इस विषय को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है। मुझे ऐसे ढेरों पत्र मिले हैं जिसमें लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे मिलेट्स को अपने दैनिक भोजन का हिस्सा बनाया हुआ है। कुछ लोगों ने मिलेट्स से बनने वाली पारंपरिक व्यंजनों के बारे में भी बताया है। ये एक बड़े बदलाव के संकेत है। लोगों के इस उत्साह को देखकर मुझे लगता है कि हमें मिलकर एक ई बुक तैयार करनी चाहिए, जिसमें लोग मिलेट से बनने वाले डिशेस और अपने अनुभवों को साझा कर सके। इससे इंटरनेशनल मिलेट ईयर शुरू होने से पहले हमारे पास मिलेट्स को लेकर एक पब्लिक एनसाइक्लोपीडिया भी तैयार होगा और फिर इसे माई गॉव पोर्टल पर पब्लिश कर सकते हैं। साथियों, मन की बात में इस बार इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं आपको नेशनल गेम्स के बारे में भी बताना चाहता हूं। 29 सितंबर से गुजरात में नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है। ये बड़ा ही खास मौका है, क्योंकि नेशनल गेम्स का आयोजन कई साल बाद हो रहा है। कोविड महामारी की वजह से पिछली बार के आयोजनों को रद्द करना पड़ा था। इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैं उनके बीच में ही रहूंगा। आप सब भी नेशनल गेम्स को जरूर फॉलो करें और अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। अब मैं आज के लिए विदा लेता हूं। अगले महीने मन की बात में नए विषयों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। नमस्कार। यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे। I
Arvind Kejriwal is on the campaign trail in Gujarat, one of the big upcoming elections. He said the Congress is finished. You look at it on a larger, on a national scale, no, the Congress is not finished, you know. And this is coming from a party which has zero Lok Sabha MPs right now. Arvind Kejriwal is positioning himself as a potential challenger, if not in 2022, then in 2027. One party who can take on the Congress at this point as the leading opposition in this country is optics. Kejriwal attempted something similar in Uttarakhand. Didn't quite work. Small state, didn't quite work. In Goa, yes, he got 6% of the vote, but the Congress was still substantially larger. 14, if he takes 14 Vidhan Sabha seats, this election in Gujarat, the Aam Aadmi Party would have done more than what they wanted to do. 14 is their figure. Aam Aadmi Party is certainly a natural national replacement. This is what Raghav Chadha said, and I totally agree with him, because they've mostly wiped out the Congress in Delhi. Rahul Gandhi actually given up on Gujarat completely. The fact remains, he's spending 18 days in Kerala, only 2 days in Uttar Pradesh, and practically it's a splinter yatra that's going into Gujarat. But actually the voters resonate with the Delhi model of governance speech that they've been making in Punjab, similarly in Gujarat as well, because honestly speaking, what is the Delhi model of governance? You know, I think Kejriwal sold this education health model of his, and these are two areas where Gujarat has traditionally been weak. Delhi is Congress mukt. Punjab Congress has been defeated. So Arvind Kejriwal is eating into the opposition votes or the Congress votes. Both these states, he's successful. In the third state, Congress is in a disarray. I would not write off any political party which has got 35 to 40% vote like the Congress completely. The Congress has a well-entrenched vote in Gujarat. Can AAP completely take that vote over in one election? We don't know. They did it in Delhi. But as I said, Delhi is not India.
Everyone's busy finding what's trending. You're busy finding out why. India Today, for those who research before reacting. Download the India Today app now. You are watching India Today. Some news just coming in. Top Congress sources have told India Today that Rajasthan CLP likely to authorize the Congress president to decide on the new CLP leader. Gehlot remains opposed to pilot, wants MLAs to have their say. Pilot is a short support from the Gandhi family, and now Gehlot wants decision on Rajasthan Chief Minister to be taken only after he's filed his nomination. Rajdeep Sarthasai, consulting editor, is now joining us on the phone line. Good morning, Rajdeep. What is really brewing within Rajasthan Congress? Here we have Ashok Gehlot almost all set to become the next president of the Congress party. However, he's still worried about the state of affairs in Rajasthan and wants to keep Pilot away even now. Well, it seems, barring anything unexpected, Sachin Pilot would become the Rajasthan Chief Minister and Ashok Gehlot the Congress President. However, Mr. Gehlot is insisting that there be a wider consultation with all the MLAs before any final decision is taken. Yes, he does been opposed to Sachin Pilot as Chief Minister. However, Sonia Gandhi, the Congress President at the moment, has put her weight behind Sachin Pilot. And what the central leaders, Ajay Makan and Mallikarjun Kharge, who are going to Jaipur today, have been told is to try and evolve a consensus where the MLAs agree eventually to be going have a one-line resolution backing Sachin Pilot. So the aim is to have a one-line resolution backing Sachin Pilot before at today's CLP. Not Sachin Pilot, but authorizing, Sonia Gandhi, to decide on who should be the new CLP leader. And Ashok Gehlot will give up his chief ministership the moment he files his nomination as Congress president. That's what is being worked upon. You know, so this is almost final that it is going to be Sachin Pilot. Also, a situation that Congress would want to avoid is further conflict really in Rajasthan. Ashok Gehlot is going to be eased out from his position in Rajasthan and going to be accommodated in Delhi, essentially. And the grouse that he's had for so many years together, that is something that is also going to be settled in that sense. Well, yes, you know, in an ideal world for the Congress, this should be a smooth transition where Mr. Gehlot, senior leader, moves to Delhi and Sachin Pilot becomes the chief minister in Rajasthan, thereby effecting a generational change. There are a few independent MLAs who are with the Gehlot camp who are already now making overtures to Sachin Pilot. You see, in the Congress, once the party leadership, in this case Sonia Gandhi, has made it clear that Sachin Pilot is the natural choice, then it becomes that much easier to push his candidature. Mr. Gehlot has implacably opposed Mr. Pilot in the past. Whether he will continue to do so till the very end is uncertain. Therefore, there is that one element of uncertainty that will Mr. Gehlot throw any last-minute googly. We have been told that he's been raising other names, floating other names as potential consensus candidates. But the general belief is that for the Congress party at the moment, the best-case scenario is Ashok Gehlot moving to Delhi, Sachin Pilot moving to Jaipur 1 year ahead of the elections. At least it gives a signal that the Congress is attempting some kind of a generational change. So, unless something goes very wrong at the last minute, it would seem Sachin Pilot will be the next chief minister of Rajasthan. But it did appear in the beginning, Rajdeep, that Gehlot really wanted to have best of both the worlds when he said that he belongs to Rajasthan and that he would want to serve the state for the rest of his life. That's an intriguing statement also to make. And when the indication was that nothing happening, nothing doing, there's just going to be one post for one person. So you have to give up Rajasthan if you want to come to Delhi, isn't it? Absolutely. In fact, initially, Ashok Gehlot was floating the possibility of being both Congress President and Chief Minister of Rajasthan. But that has been shot down. Rahul Gandhi, among others, has made it very clear, one person, one post
is what was agreed to in Jaipur. I can tell you for a fact that both Sonia Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra have also backed, in a way, Sachin Pilot, because they claim that they have assured Sachin Pilot that he would be made Chief Minister of Rajasthan at least a year before the election. So this is a test, in a way, of the kind of clout that the Gandhi family still wields over the Congress. Remember, in Punjab also, they effected a leadership change, but it was too little too late. In this instance, at least if Mr. Pilot does become Chief Minister, he gets a year. And while Mr. Gehlot may oppose Pilot, Mr. Pilot's candidature, I don't think he can challenge the Gandhis on this one. What will possibly happen is that he wants an assurance from Mr. Pilot that none of the people close to Ashok Gehlot will be acted against in a vindictive manner. So if that, there will have to be some assurances that will have to be given to the Gehlot camp by Sachin Pilot and his supporters. And if that works out, then possibly in the next couple of days, the formal announcement will be made. But today's meeting, more likely to authorize the Congress central leadership to decide on who is the next CLP leader. So that's the aim, to evolve a consensus before Mr. Gehlot files his nomination, which is likely either on Tuesday or Wednesday in Delhi. Yes, you know, Rajdeep, this is a hypothetical question that I'm asking you. The battle really is between Gehlot and Tharoor, and it is believed that Gehlot really has the upper hand in that sense. Languages is a benefit when it comes to, you know, the Hindi-speaking workers and the cadre of the Congress party. Tharoor clearly doesn't have that advantage. But what if things work in favor of Shashi Tharoor? I know this is a hypothetical question, but that really is going to leave Ashok Gehlot nowhere, isn't it? No, look, at the moment, I think it's very clear that Shashi Tharoor, his candidature is unlikely to get wide enough acceptance for him to win an election. Even the Kerala Congress will not fully back Mr. Tharoor. Those close to Mr. Tharoor say he just wants to make a larger point on the principles and the ideology of the Congress, which he claims he stands for, being reasserted through his candidature, wanting a change in the way the party functions. But the truth is that once it becomes clear that Ashok Gehlot enjoys the support of the Gandhi family and the central high command of the Congress, it will be almost impossible to defeat him. There was talk even yesterday of a possible third candidate, someone like Prithviraj Chavan, throwing his hat in the ring, so don't rule out a third candidate. Having said all that, all roads at the moment, in as far as the Congress president is concerned, lead to Ashok Gehlot. All roads in Jaipur for now lead to Sachin Pilot, unless there is a last-minute surprise. Also, I want to ask you, do you believe that if at all things work in favor of Ashok Gehlot, when it comes to the Congress presidential elections, then the dust is going to settle as far as the infighting within the Rajasthan unit of Congress is concerned? That's a very good question, and a very difficult to answer, because factionalism is built into the way the Congress is structured at the moment in Rajasthan. You might recall that 2 years ago, Sachin Pilot had attempted a coup within the Congress to try and assert his authority over the party and failed. Ashok Gehlot is a towering leader of Rajasthan. He commands the support of a majority of the MLAs. But he also knows that once he moves to Delhi, he will have to slightly loosen his grip over Rajasthan. And that's, I think, his bigger concern. He would, in an ideal world, want to have at least one foot in Rajasthan's politics, even while being Congress president, which is going to be a very difficult position, a crown of thorns. So in a way, he wants, in an ideal world, to have some space, some say in Rajasthan's politics. It won't be easy, but it will also therefore mean that whoever becomes Rajasthan Chief Minister will have to, in a way, live with the shadow of Ashok Gehlot as Congress president. And the distance between Delhi and Jaipur, I can tell you, is not a very long one. Okay, you know, Rajdeep, I'm just going to ask you this question again. There's a lot of speculation that's going on as far as seniority is concerned. C.P. Joshi also is a senior leader in Rajasthan. How is that his name is not doing the rounds, or is it, and we just don't know, and there's going to be a surprise right at the end? Well, C.P. Joshi is among the names who's been mentioned as a consensus candidate in case there is a complete disagreement of views between the Pilot and Gehlot camps. C.P. Joshi is a senior leader, someone who has been a Congress president in Rajasthan, state Congress president. But the truth of the matter, as I said, is that
a name like his will eventually come up only if there is a complete deadlock. At the moment, what the Congress party seems to be attempting is to at least ensure that Ashok Gehlot does not veto Sachin Pilot. Mm-hmm. What they're saying is allow, they are agreeable to the MLAs deciding on their next candidate, but also informing the MLAs that the preferred candidate is Sachin Pilot of the Gandhi family. And they hope that once the MLAs know that, then all the MLAs will come around to Sachin Pilot's name. Also, apparently, an internal survey that the Congress has done suggests that they have a better chance in Rajasthan, not a very good one in terms of defeating the BJP, but at least doing better than expected in 2023 if Sachin Pilot is Chief Minister. Okay. All right, I'm thanking you for the moment, Rajdeep Sardesai, with those very interesting details on what's really going on as far as Rajasthan Congress and the churning really within the Congress party in Rajasthan is concerned. And we're staying with this big suspense of who is going to be the next Chief Minister of Rajasthan. The Congress has called a meeting of its legislature party in Rajasthan at Chief Minister Ashok Gehlot's Jaipur residence at 7 o'clock this evening. Amid the leadership change buzz following the announcement that he will be contesting the party presidential elections, Gehlot may be resigning from his post before filing for his nomination. With Gehlot running for Congress president, he may finally make way for Pilot to become the Chief Minister of Rajasthan. Congress President Sonia Gandhi has appointed Mallikarjun Kharge as observer along with Ajay Makan to look into the situation. Can you throw some more light about what the Congress President has said? Certainly, there will be a CLP meeting today evening. This fourth CLP meeting, Congress President deputed two observers. One is senior post Congress leader of opposition, the Rajya Sabha Mallikarjun Kharge, and the General Secretary in charge of Rajasthan, Ajay Makan. They will go there and they will analyze the situation there. They will participate in the legislative party and they will take a decision. They will give a report to Congress President. How do you see the situation? Everything is more good for the party. You take it in that way. Organization election democratically is one of the beautiful signal of the Congress party to the national political scenario. Ashok Gehlot openly told that he is always support Nehru family. So if we file nomination on coming days, our vote will be at Ashok Gehlot. This is All India Congress Committee. So All India Congress Committee, Ashok Gehlot is a very senior man. He was Chief Minister in 3 times and he was AICC General Secretary. So he is a very capable man to hold the post of AICC. We have more news coming in, and this again has got to do with the Ankita Bhandari murder case. This is an India Today exclusive news break. Audio conversations after Ankita went missing. Ankita's friend called accused to inquire. Accused claimed Ankita was back in the resort. Then the accused tries to mislead Ankita's friend Deep Pushp. We're just getting our viewers the audio conversation between Deep Pushp and the accused Pulkit Arya in this case, where the friend called Pulkit to ask about Ankita Bhandari, and Pulkit Arya then misled the friend of Ankita Bhandari, Deep Pushp. The accused in this conversation tries to mislead Ankita's friend. Listen into this telephonic conversation. Quick, why was I here? Phone kyun liya tha unhone? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी, उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फोन किया था ना 9 बजे, हाँ, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था, हाँ जी, तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी। हम्म, और उसने मेरे से मेरा फोन लिया और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे, उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन, और आपने दे दिया। भाई मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? अच्छा जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रात में मुझे फोन का क्या करना था? मेरा फोन तो उसी के पास था रात को। हाँ, तो मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने। क्या? मेरे को फोन नहीं किया फिर भी? अच्छा, उल्टा मैंने 3 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए भाई? देखो, तुम्हारी क्या बात,
अगर